भाई अभी गया निकल ये अभी गया है, यहाँ तो रहते हैं ना। टाइगर देखने को भी मिल गया है, ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर दो टाइगर मिले जी, यहाँ पर इसी लोकेशन पर है जी जी जी। जो बैठ के आप नाश्ता चाय का जो एक्सपीरियंस लेंगे वो बहुत ही बेहतरीन होगा, और सामने देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइज हम भी मस्त है, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम जा रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए। और हमारे साथ हमारा दोस्त अजय भाई है और शिव भाई है दोनों ये। और गाइज चलते हैं वहां को, आपको दिखाते हैं कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं और बहुत ही मजा आएगा। वीडियो अंत तक बने हैं, अभी मजा आएगा ना वीडियो। आपको पीलीभीत नेहरू पार्क से जिप्सी मिल जाएंगी। तो दोस्तों मोह रेंज में आ गए, ये है मेन गेट, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। और फिर भी शुल्क खिड़की है, यहाँ से हमने स्लिप उठा ली है 3800 की, और हम तीन लोग हैं। ये हमारे गाइड साहब है हमारे साथ, शुभनेम सर आपका, राकेश कुमार। ये है हमारे ड्राइवर साहब सर, शुभनेम आपका, मनोज कुमार। हाँ, ये हमारी यात्रा को मंगलमय बनाएंगे। और गाइड चलते हैं अंदर, जंगल सवारी करते हैं। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हम अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाएंगे जो एकदम यूनिक होंगी, जैसे टाइगर्स की भी कोशिश करेंगे और डियर्स भी, कई प्रकार के यहाँ पर कई प्रकार के डियर्स वगैरह है, वो भी सारी चीजें दिखाएंगे। और भाई क्रोकोडाइल्स चीजें यहाँ पे, क्रोकोडाइल्स पॉइंट भी है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एकदम यूनिक है। यहाँ हम लोग इसको ये मिनी गोवा के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा सागर दिखाएंगे हम जिसको चूका सागर बोलते हैं। चूका सागर सोचा है तो मैं आज रास्ता बुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़ डराए, अरे नाना नारे नाना। वो पीकॉक जो होता है वो कलरफुल होता है, लेकिन मोरनी इतनी कलरफुल नहीं होती है। अच्छा, इसी प्रकार से टाइगर में भी वो टाइगर जो है ज्यादा, और ये हमारे साथ पीकॉक भाग दौड़ रहे हैं। कोर एरिया में जैसे चलेंगे, कोर एरिया में टाइगर पॉइंट है, वहां पर टाइगर देखने को मिल जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व TX2 अवार्डेड है, यानी इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है टाइगर की संख्या बढ़ाने में। हमारा जो लक्ष्य था ना 2020 तक का 65 प्लस टाइगर करने का, वो हम लोगों ने 2022 का लक्ष्य हमने 2020 में अचीव कर लिया 65 प्लस टाइगर करने का, इसलिए TX2 अवार्डेड है पीलीभीत टाइगर। भी लगाया गया नहीं है, सब अपने आप हुआ है, नेचुरल प्राकृतिक जंगल है पूरा, मतलब आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं, आर्टिफिशियल कुछ नेचुरल है, सब टोटल नेचुरल है। प्राकृतिक दृश्य देखकर क्या फील हो रहा है, क्या आप कह सकते हैं इस बारे में? नजारे देख के ऐसा लग रहा है ना कि भाई जन्नत है। भाई साहब हम फिलहाल रहते यहीं पे हैं, हमें पता है, लेकिन वही है कि हम यहाँ पे घूम नहीं पाए, यहीं पे रहते हैं फिर भी यहाँ पे नहीं घूम पाए। और ये रवि की बदौलत है क्योंकि आज हमें घूमने को मिले, इसी में कहा था घूमने के लिए। बहुत बहुत करके सुबह 4 बजे उठा के लेके आए भाई, चलते हैं घूमने, अकेले तो मजा नहीं आता है, दो तीन लोग हो जाए। और भाई साहब बंदे ने 4 बजे नहीं, रात में सोने नहीं दिया और 3 बजे कॉल कर दी कि भाई उठ गया क्या? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, और फिलहाल मैं उठ गया था, मैं रात में सोया नहीं। ये रहा वॉच टावर गाइस, और यहाँ से आपको हम दिखाते हैं ग्रासलैंड का व्यू। ये हमारे ठीक सामने रहा भीमताल। होते हुए सीधे चूका के लिए चले। अच्छा, इधर से जंगल का एरिया ज्यादा पड़ेगा, टाइगर स्पॉट भी पड़ेगा। और राकेश राय कह रहे हैं आगे दिल खुश हो जाएगा, कल इधर बाहर आ जाएगा, जबरदस्त पॉइंट है आगे। और गाइस इनके साथ घूमते हुए बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है हमें, और ये हमारी हम उम्र के हैं और इतना अच्छा ब्रीफ कर रहे हैं हमें, इनकी ब्रीफिंग सुनोगे आप तो ये कहोगे कि भाई हमें यही बंदा चाहिए, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं हमें ये। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हम तो एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में ये अच्छू खो जाए। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ आपको गाने सुना भी हमें सभी से, भूल भुलैया
भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। देख सकते हैं कितने अच्छे ये मिट्टी के घर बने हुए हैं, और यहाँ पे कुछ कलरफुल कबूतर हैं जो कि हम देखने जा रहे हैं। तो ये रहे कबूतर, और जो कि उड़ रहे हैं ये। बहुत अच्छा व्यू है ये, वो बैठ के जाके हट के ऊपर, और ये देखो सर इन्हें आज़ाद कर रहे हैं। और सर बता रहे थे अभी कि पहले और ज़्यादा कलरफुल थे यहाँ, बट कुछ अब नहीं पालते। और ये कितने मज़े से बैठ गए ऊपर। तो ये अजय ये कबूतर को पढ़ रहा है, और ये थोड़ा घायल है, ये इसके थोड़ी चोट लगी हुई है, ये उड़ नहीं पा रहा है ठीक से। ये देखिए गाइस कितने ब्यूटीफुल हैं, ये एक बिल्कुल वाइट कलर का है, और इसके बराबर में भी है। और ये कितना अच्छा लग रहा है यार, कल यहाँ पर दो टाइगर मिले जी, यहाँ पर इसी लोकेशन पर है जी जी जी। अच्छा, ये पूरा एक तरफ पानी का एरिया है, एक तरफ नरकुल का एरिया है। सर टाइगर जो है ना नरकुल पे ज्यादा रहना पसंद करता है, क्योंकि जो नरकुल है वो वातानुकूलित होता है, यानी गर्म में टाइगर के लिए जो है ठंडा होता है, और ठंड में टाइगर के लिए गर्म होता है जी। टाइगर का एसी घर भी बोलते हैं इसको। अच्छा जी। फाइनली गाइस हम आ गए चूका स्पॉट, और ये रहा चूका स्पॉट का गेट, और ये शारदा कैनाल है, और अभी हम अंदर एंट्री करेंगे। चूका भी का भी आपको व्यू दिखाते हैं, आप हमारे साथ वीडियो में तक बने रहें। देखिएगा अब ये गाइस कितना ब्यूटीफुल गेट बना रखा है, और ये टाइगर है, ये हिरन है। और ये हमारे ये गेट नंबर 4 है, आई मीन गेट नंबर 4। और यहाँ कुछ एंट्री होगी। कितने टाइगर है इस जंगल में? अब तो 100+ है। 100+ है, 100 से ज्यादा जी जी। अच्छा, आप यहाँ पे भी एक टाइगर दिखा चुके हैं जी, यहाँ पे एक सुल्तान टाइगर जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का सबसे बड़ा टाइगर है। अच्छा, शायद हमें फिर से देखने को मिल जाए जी जी, बिल्कुल, क्योंकि वो यहीं पे आसपास ही होगा, है ना। तो दोस्तों हम चूका स्पॉट में आ चुके हैं, और ये यहाँ का व्यू है आप देख सकते हैं, और कुछ यहाँ हट बनी हुई है, और उसको भी आपको नज़दीक से दिखाते हैं हम। पहले आप यहाँ का व्यू देखिए, अरे क्या है यहाँ पर, ये वाटर हट है सर, पानी में बनी हुई है सर, और यहाँ से हम लोग पूरा वाटर पॉइंट पार्ट बी का एरिया देखेंगे। टोटल एरिया लगभग 21 किलोमीटर परिधि में बना हुआ है जी। और सामने हमारा रामनगरा का पूरा बांध दिख रहा है, फिर उसके ठीक सामने हमारा नेपाल का बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू सर, दिखाई आगे। ये देखिए वाटर हट, इतना बेहतरीन व्यू है यहाँ का, और इसको आप बुकिंग भी कर सकते हैं ऑनलाइन भी। तो दोस्तों आपको अभी अंदर से हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसकी बुकिंग हो रखी है, नहीं तो अभी इसका अंदर से भी देख सकते हैं इसको हम। मगर यहाँ से जो बैठ के आप नाश्ता चाय का जो एक्सपीरियंस लेंगे वो बहुत ही बेहतरीन होगा। और सामने देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन व्यू है, और ये हट वाटर के ऊपर बनी हुई है, शारदा सागर चूका जलाशय है। तो गाइस आपको यहाँ बेहतरीन व्यू दिखाता हूँ मैं, देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा भी वो आपको नैनीताल में ही देखने को मिलेगा। और देखिए आप यहाँ का, ये मोटर बोट है, आप इसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसका किराया लगभग 5,000 से 6,000 है, और इसमें लगभग 7-8 लोग बैठ सकते हैं, इससे आप जंगल का व्यू भी देख सकते हैं। तो आपको चूका में हटे मिल जाएंगी जो जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, और इसका आप लुत्फ उठा सकते हैं, और यहाँ से बेहतरीन व्यू देख सकते हैं, और इसकी जानकारी आपको गाइड साहब से दिलवाते हैं जी। बताइए जी, ये चूका का मेन पॉइंट है, चूका स्पॉट, और यहाँ पर चूका सागर है, सीधे सामने पानी ही पानी है, और एक तरफ हमारा जंगल ही जंगल है। यहाँ पर हट्स बनी हुई हैं, इन हट्स का अलग अलग चार्जेस है, लगभग सभी हट्स का 5,500+ चार्जेस है जी, उसमें GST अलग से इंक्लूड होगी सर जी। ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, पोर्टल दिया, टूरिज्म की एक वेबसाइट दी गई है, उस पर जाके हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ठीक,
यहाँ आपको कैंटीन मिल जाएगी जहाँ आप चाय नाश्ता मैगी वगैरह खा सकते हैं। और फिलहाल अभी हम चाय पीते हैं, मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 10 o'clock हो चुका है। मुस्तफाबाद चौकी है, यहाँ से भी आपको जिप्सी मिल जाएगी और उसकी ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं और हैंड टू हैंड भी आपको मिल सकती है। और ये गेट जो आपको दिखाता हूँ मैं, कितना ब्यूटीफुल बना रखा है। और ये है टाइगर का स्टैचू, कितना विशाल बना रखा है। और फिलहाल अभी और हम अंदर जाते हैं जंगल में। ये अभी गया, यहाँ तो रहते हैं ना गाइस। हमें टाइगर से अभी पदमार देखने को मिले हैं और आपको ये दिखाते हैं। और ये बिल्कुल तो अभी शायद गया अंदर को, ये इधर को नहीं गया, इधर को गया। अभी देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं हम। ग्रासलैंड एरिया है अराउंड टोटल 8 से 9 किलोमीटर का और यहाँ पर टाइगर्स की लोकेशन, मतलब टाइगर्स मिलता ही मिलता है अक्सर। अच्छा। इवनिंग में, अभी ठंड के दिनों में इवनिंग में मोमेंट ज्यादा रहता है, तो इवनिंग का मोमेंट ज्यादा, मॉर्निंग में बहुत कम, लेकिन अभी भी हमें ताजे प्रिंट फुटप्रिंट दिखाई दिए। हाँ, मैंने अभी सभी अपने भाइयों को दिखाया, ताजे फुटप्रिंट थे बिल्कुल। अभी जस्ट लगभग 15 से 20 मिनट पहले यहाँ से टाइगर निकला है। और इसको आपको बिल्कुल करीब से दिखाते हैं हम, कितनी मस्त से बैठा है पेड़ के ऊपर, धूप ले रहा है। तो ये मगरमच्छ स्थल है और यहाँ में आपको 100% मगरमच्छ देखने को मिल जाएंगे, देखने को भी मिल गया है। ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये कुछ दूरी पे है बट क्लियर नहीं आ पा रहा है, इसके लिए सॉरी। जंगली सूअर देखने को मिला है जो कि कुछ दूरी पे है, देखते हैं जूम करके। उसके बच्चे भी हैं, नहीं दिखता है वो, देखो भाग रहे हैं गाइस। फाइनली गाइस हमने पीलीभीत टाइगर घूम लिया है और चूका स्पॉट भी गए। हम सुबह वाली शिफ्ट में गए, यहाँ पर 2 शिफ्ट होती है, सुबह लगभग 6 बजे के आसपास होती है और दोपहर वाली लगभग आपको 1-2 बजे मिल जाएगी। और हमने बहुत ही अच्छे किया, आप यहाँ बहुत ज्यादा मजे लिया। भाई आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और ये हमारे साथ इन्होंने भी काफी अच्छा मजे दिलवाए, एंजॉय करवाया, सभी ने भी बहुत गाना गाते हैं, हम बहुत ज्यादा मजे लिए और हमारी टीम है। तो दोस्तों अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।